सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज इस रूप में जो सत्संग हो रहा है कि कैसे हमेशा हर संडे एक रिकॉर्डेड रूप में पूरा ये संगत होती थी, तो ये लाइव आज इस तरह और आगे भी, जैसे आप सब ने अनाउंसमेंट सुनी कि पहले ये हफ्ते में एक बारी ही होता था, तो अब ये जो तीन बार होता है, तो यही ध्यान आया कि कैसे पूरे विश्व से और विद इन इंडिया भी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन उस तरह एक हो सके। और जिस रूप में सभी का ही ध्यान लगा हुआ है कि अब ये गैजेट्स के थ्रू ये इस रूप में सत्संग को ना करते हुए एक फिज़िकल की जाए, तो दातार उस पर भी कृपा करे कि सारे संसार में ये कोरोना की सिचुएशन ठीक हो, ताकि पहले की तरह सब एक फिज़िकल रूप में सत्संग का आनंद लें। तो सभी ने जिस तरह आज भी बात सुनी, चाहे महात्माओं ने स्थिरता का एक करा कि आजकल के टाइम्स इतने डिस्टर्बिंग हैं, चाहे वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात पे भी महापुरुषों ने ध्यान दिलाया कि कैसे हम हर एक को एक्सेप्ट करें। तो आप सभी को ही पता है कि कल जो था 22 मई, तो उस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी होता था, कि कैसे हर एक ने जो संसार में परमात्मा ने क्रिएशन करी है, चाहे हम वो देखें कि समुद्र के अंदर देखें, चाहे कॉरल्स हैं, चाहे तरह तरह की मछलियां हैं, चाहे एक धरती के ऊपर पेड़ पौधे जानवर इंसान, सब ये जो हम क्रिएशन का ही पार्ट हैं, कैसे इतने सुंदर एक रचना का ही हम पार्ट हैं, और इसको हमने खूबसूरती की तरह ही रखना है। हमें अपने मनों में खूबसूरती रखनी है, अपने मनों में इस निरंकार प्रभु परमात्मा के एहसास से, इस ठहराव से अपनी यात्रा आगे चलानी है। कैसे हम हर एक में सिर्फ इस परमात्मा के दर्शन करें, और उसके लिए ये स्टार्ट होना खुद की कनेक्शन परमात्मा से। जैसे दासी अपने हर बार जब भी माइक पे आती है, तो यही बार बार कि कैसे अपना ध्यान इस परमपिता परमात्मा से जोड़े रखना है, और ये यात्रा भी शुरू होने के लिए पहले इस परमपिता परमात्मा की पहचान होना ज़रूरी है। तो एक बार जब हम इसका एहसास कर लेते हैं, ये ज्ञान मिल जाता है, ब्रह्म ज्ञान से हम नाता जोड़ लेते हैं, तो फिर आगे का समय हर पल जब एहसास में होता है, तो वो आनंद की एक भक्ति की यात्रा का शुरुआत होती है। तो कैसे आज भी हम सब ने जहाँ इतने सुंदर वचन, चाहे कविता रूप में, चाहे गीत रूप में, चाहे वो एक स्पीच रूप में सुनी, और भाषाएं भी, चाहे इंग्लिश थी, पंजाबी थी, हिंदी थी, और आने वाले समय में जो और भी जहाँ जहाँ जिन देशों में होगी उनकी भी लैंग्वेजेस लोकल ज़्यादा सुनने को मिलेंगी, तो कैसे वो एक भाव की ये जो संदेश है, ये तो इस परमात्मा से जुड़ने का, एक अपने ज़िंदगी से एक्स्ट्रा बर्डन्स हटाने का, ये परेशानियाँ जिसको एक वर्ल्डली टर्म में कह देते हैं, उससे कैसे अनअफेक्टेड रहने का कि सिचुएशंस आ रही हैं पर उसका असर ना अपने ऊपर चढ़ने दें। कि एक हम कोई अगर पेटल देखते हैं, चाहे वो कमल का फूल हो, गुलाब का फूल हो, जितनी देर अगर उस पर एक पानी के अंदर है तो गीला है, जैसे ही उसको निकाल के एक झाड़ दो तो बिल्कुल वो सूखा हुआ। कि जो अपना एक कैरेक्टर है वो तो वैसा ही रहा, चाहे थोड़ी देर के लिए स्थिति कुछ थी और कुछ और, पर अपने आकार में कोई फ़र्क नहीं आया। अपना जैसे हम इनबिल्ट हैं, वो एक अंदर क्या है हमारे, वो परमात्मा ही है, जो हमारे अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी। तो कैसे हमने एक रस रहना है सिचुएशंस जो भी हों, उसमें यही देखना है कि अगर हम ब्रह्म ज्ञानी हैं तो इस तरह इम्पल्सिवली किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं, पर कैसे एक सोच कर कि ये ज्ञान की दृष्टि से अब जो एक स्थिति है सामने, उसमें अपना किस तरह बेस्ट आउटपुट दिया जाए। तो इसी तरह जहाँ हम अपना जीवन भी सुखद करेंगे और संसार के लिए भी वरदान बनते चले जाएंगे, और जैसे अभी भी
वो आ रही है बात प्रिकॉशंस की कोरोना के दिनों में, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे और एक हमें अभी भी एक सावधानी बरतते हुए ही आगे चलना है। तो दातार कृपा करे कि हर कोई जहाँ स्वस्थ रहे। इतनी दासी तक भी न्यूज़ आती है परिवारों से, पूरा पूरा दिन लगभग यही पता लगता रहता है कि कोई महात्मा कहीं अस्पताल में है या भ्रमलीन हो गए हैं, और कहीं कहीं तो ये भी दिखता है कि सिर्फ छोटे बच्चे कोई रह गए और पूरा परिवार भ्रमलीन हो गया, या इतनी न्यूज़ उस तरह की जो सामने आती है। तो हर एक तक तो दासी ये फ़ोन कॉल के ज़रिए नहीं एक अपने भाव पहुंचा सकती, पर आज इस रूप में कि जहाँ जहाँ किसी के भी घर में एक ऐसी सिचुएशन है, तो वो एक निरंकार के आसरा लेते हुए, एक निरंकार की रज़ा में कि ये भाड़े में रहने वाला जीवन, कि ये शरीर जहाँ परमात्मा ने दिया तो परमात्मा ने वापस भी लिया, उसमें हमें एक अपने आप को भाड़े में रखना है। एक उस व्यक्ति के साथ एक प्यारी यादें जो जुड़ी होती हैं, उनको जब भी याद करना एक मुस्कान के साथ याद करना, आंसू बहाते हुए नहीं। तो कैसे एक हमने जहाँ ये प्रमाण ऐसी सिचुएशन में भी देना है कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो एक शरीर का बिछोड़ा जहाँ एक सैडनेस का इमोशन, उसमें भी कैसे परमात्मा की रज़ा को जब देख लेंगे, तो फिर ये वाला भाव भी एक समर्पित भाव, एक सरेंडरेंस का इस परमात्मा के तरफ। तो दासी और ज़्यादा समय नहीं लेगी इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेके, और आने वाले समय में फिर इस प्रकार लाइव आपसे जुड़ते रहेंगे। दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपनी भक्ति को और मजबूत करें। सात संगत जी, धन निरंकार जी।